एवरीवन, आई एम खुशबू रेवतकर. प्लीज वॉच INN 24 इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क. नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान. महाराष्ट्र के कल्याण में कल्याण डोबीवली महानगर पालिका तथा बिल्डर की मिली भगत से टिटवाला के इंदिरा नगर में सैकड़ों घर बनकर तैयार हो गए हैं और उन घरों को बेचकर बिल्डर तथा KDMC अपनी जेब गर्म कर चुकी है. लेकिन जिस किसी व्यक्ति ने भी इंदिरा नगर में घर खरीदा है वह आज भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है. निवासियों का कहना है कि समय समय पर सभी टैक्स भरते हैं, चाहे हाउस टैक्स हो या पानी टैक्स हो या लाइट बिल हो, लेकिन इन सभी टैक्स भरने के बाद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधा KDMC देने में नकारा साबित हो रही है. समय समय पर टैक्स भरने के बाद भी स्थानीय लोगों को ना ही ठीक तरह का सड़क, ना नियमित पानी और ना ही लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है. सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई. मामूली बरसात में ही लोगों के घरों में पानी भर जाता है. लाइट की चपेट में आने से कई लोग मौत के गाल में जा चुके हैं. यहाँ के नागरिकों का मानना है कि उनकी जिंदगी राम भरोसे हो गई है. हमको KDMC वाले ने कुछ सुविधा नहीं दिया है. जब हम बिल्डर यहाँ पे घर बनाया तो KDMC वाला कैसे बनाने दिया उनको, क्या पब्लिक को समझे. हम लोग कैसे कैसे रूम लिए यहाँ पे, हम लोग की हालत एकदम खराब कर दी है KDMC वाले. डेली आया करके धमकी देते हैं कि हम तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे. हाँ, हम लोग को किसी चीज की सुविधा नहीं दिए हैं. 8,000 रुपया हम लोग का टैक्स आता है. हाँ, लाइट का बिल 2,000-3,000 लाइट का बिल आता है. पानी पीने के लिए नहीं, फिर KDMC वाले कहाँ से पैसा हम लोग से वसूल करते हैं जब हम लोग को किसी चीज की सुविधा नहीं है. यहाँ पर पीने के पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पीने के पानी के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो 10 लीटर चाहिए या 15 लीटर. एक एक लीटर के पीछे हम लोग को 50-50 रुपया देना पड़ता है. ये तो आम इतना सारा पैसा हम गरीब लोग कहाँ से लेके आए. बच्चे लोग को अगर पीने का पानी नहीं मिलता BMC का तो बच्चे बीमार गिरते हैं. डेली दवा खाने में बच्चे लोग की बीमारी की लाइन लगती है. तो ऐसी अगर हालत है तो हम ये नगर पालिका जो है हमारे लिए क्या करिए. टैक्स हम लोग भरते हैं, टैक्स में मेंशन किया है क्या पीने का पानी का पैसा है, लेकिन अगर पीने का पानी है ही नहीं तो हम पैसा क्यों भरे. 1995 से लेके आज 2017 तक इस इंदिरा नगर में कोई भी ऐसा चीज अभी तक उपलब्ध करके दिया नहीं है. आज लोग बिजली के तारों से गिरने की वजह से मर रहे हैं, गटर का पानी घर में घुसने की वजह से मर रहे हैं, और यहाँ रात को जब लोग आते हैं खड्डा बरोबर नहीं समझता है बोल के वो खड्डे में गिर के भी मर रहे, और इसका सब जिम्मेदार कल्याण डमोली महानगर पालिका है. हाय, आई एम निकिता शर्मा एंड यू आर वॉचिंग INN 24.